डाल इसमें इसने डाल रखा है मसाला और सरसों और क्या क्या डाला है। गरम मसाला, कोस्तू, ओके, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, तो हल्दी, इसमें क्या पानी नमक। डालोगे क्या? हाँ, ये हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। तो मैं ऑफिस के लिए रेडी हो चुका हूँ और आज मैंने पहना है व्हाइट शर्ट और मैं जा रहा हूँ अभी ऑफिस। तो उससे पहले बता दूँ कि मेरी वाइफ जो है पुष्पा जी ने भी मेरे लिए बहुत ही प्यारा सा लंच बनाया है, स्नैक्स में दिया है इसने मेरे को इडली फ्राई, और अभी यहाँ पे बना के दे रही है मेरे को बीन्स आलू की सूखी वाली मसाले वाली सब्जी, और साथ में रोटी है कि पूरी है? रोटी है। तो फिलहाल मैं इसे लेके जा रहा हूँ और बताऊँ कि मेरा कुछ टाइम से तबीयत मेरा ठीक नहीं चल रहा था, इसमें ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था, इसलिए माफ़ी चाहूँगा आप सभी से जितने भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर फैमिली है। तो फिलहाल अभी जा रहा हूँ ऑफिस के लिए और रास्ता में दिखाता हूँ कि आज रास्ते में कैसा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हल्का मौसम बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्मी तो नहीं बोलेंगे लेकिन आ चुका है, रात में बहुत तेज हवा भी चल रही थी। तो चलते हैं पहले ऑफिस के लिए, तो जल्दी कितना टाइम लगेगा? जल्दी दो, क्यों मैं लेट हो जाऊँगा ना ऑफिस के लिए फिर, तो मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। तो सच बताऊँ तो बाहर बहुत ही ठंड है, तो फिलहाल चलते हैं जल्दी से और लंच भी मुझे मिल चुका है और यह है बाहर का मौसम जो कि धूप है, तो निकलते हैं पहले ऑफिस के लिए जल्दी से। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ ऑफिस वाली गली पे और ये लोग दो यहाँ पे लड़ रहे हैं शायद। तो देखिए सारे लोग जो है अभी अपने घर से निकल चुके हैं ऑफिस जाने के लिए, कोई कमाने के लिए, और मैं आ चुका हूँ मेन रोड पे, अपने ऑफिस वाले मेन रोड पे। और जैसा कि आप देख रहे हो थोड़ा ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, और ये जो सामने मेरे आप राइट साइड में देख रहे हो एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है MDH की, MDH मसाले। तो ये रहा मेरा ऑफिस का बिल्डिंग और मैं जाता हूँ जल्दी से अंदर क्योंकि लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा लेट होने ही वाला था बट मैं फिर भी हो चुका हूँ। चलते हैं जल्दी से। तो आज सीढ़िया का यूज़ करूँगा मैं, सीढ़ियों से जाऊँगा क्योंकि थोड़ा बॉडी का भी एक्सरसाइज हो जाएगा। लिफ्ट से कितना जाऊँगा, सेकेंड फ्लोर पर ऑफिस है हमारा। तो चलते हैं पहले जल्दी से अंदर और ये मैं एंट्री कर गया ऑफिस के अंदर, तो फाइनली अंदर आ गया और जल्दी जल्दी भाग के जाता हूँ मैं ऑफिस, पहले मुझे अपना पंचिंग करना होगा। तो मैं फिलहाल घर आ चुका हूँ ऑफिस से, थोड़ा थका हुआ अभी हूँ और मुझे अभी खाने को कुछ मिलेगा, पुष्पा जी तो कुछ बना कर देंगी फिलहाल अभी। तो अभी शाम का जो है वो जो मतलब की सांस दिखा रही है फिलहाल, जोत दिखा रही है, तो दिखाता हूँ कि वो क्या कर रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये अभी है यहाँ पे सांस दिखा रही है, मतलब कि दिया दिखा रही है, आरती दिखा रही है भगवान जी को। तो चलिए हम भी पहले हाथ जोड़ के नमन करते हैं, जय लक्ष्मी जय। तो जब तक ये पूजा कर रही है तो फिलहाल ये सांस दिखा चुकी है, दिया दिखा चुकी है, अब मैं रिलैक्स होकर बैठ सकता हूँ और देखता हूँ ये खाने में क्या बना रही है। तब तक मैं जाके चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये है वाइट सेट और इसे नहीं खोलूँगा तो फिर ये गंदा हो जाएगा, फिर उसे धोना पड़ेगा, तो इसलिए बेटर है कि मैं एक दिन इसको और भी पहन लूँ। पुष्पा जी बोल रही है गंदा हो जाएगा, तो हाँ मैं और एक दिन पहन लूँगा ना इसको, गंदा होगा तो धोना ही पड़ेगा। अरे बाबा, तो इसको और एक दिन पहन लूँगा, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं और करने जा ही रहा था तो पुष्पा जी ने मुझसे पूछा कुछ खाओगे, तो फिलहाल मैंने बता दिया कि मुझे कुछ खाने का बिल्कुल इच्छा भी नहीं कर रहा है क्योंकि रात को फिर खाना नहीं खा पाता हूँ। तो पुष्पा जी अभी बना रही है, क्या बना रहे हो खाने में? सूखी आलू का सब्जी। कैसी का ड्रम स्टिक? वाओ, ये मेरा फेवरेट है। आपका? सही में मेरा फेवरेट ही है, मेरा फेवरेट है, ये मेरा है, मेरा फेवरेट है। वो देखो खराब हो गया, उसको मत देना फिर। खराब नहीं हुआ है, वो खराब हो चुका है। अरे बहुत खराब, उसको हटा दो, वो खाने में भी ठीक थोड़ी लगेगा, उसको हटा दो। हाँ, और उसको देना नहीं। किसको? उसको, नीचे वाला, ये खराब हो चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसको देना नहीं। तो दोस्तों फिलहाल आज हमारे घर पे बनने वाला है ये ड्रम स्टिक की सब्जी, और मेरे दोस्त जो है यहाँ हरियाणा पे उनको पता नहीं है कि ये सब्जी कैसे बनती है, तो आई मीन वो लोग बनाते हैं कुछ अलग स्टाइल में बनाते हैं, तो मैं वो भी दिखाऊंगा कि क्या क्या ये डालने वाली है। तो फिर से क्या करने वाले हो, पहले इसे बताओगे? पहले से थोड़ा सा बॉईल करेंगे। पहले इसे बॉईल करोगी गर्म पानी में, मतलब उबालोगे हल्का पकने के लिए, हाँ, जैसे आलू बॉईल करते हैं। हाँ।
तो कितना देर तक बॉईल करना है, मतलब पूरा अच्छे से या फिर? नहीं नहीं पूरा नहीं करना है, कम से कम 5 से 6 मिनट बस, उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा तो ये सारा इसका निकल जाएगा, अलग हो जाएगा इसका पार्ट पार्ट। तो फिलहाल हमारे झारखंड में इसे बोलते हैं सजहन, है ना? सजन भी बोलते हैं, सूटी भी बोलते हैं। हाँ, सजन बोलते हैं, सूटी भी बोलते हैं, और फिलहाल तो सब इसे ड्रम स्टिक भी बोलते हैं क्योंकि ये ड्रम बजाते हैं, इसलिए ड्रम स्टिक भी बोलते हैं। सांभर में बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। तो फिलहाल इसे ये सब्जी बना रही है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, दिखाऊंगा कि कैसे बना रही है और खाने में टेस्ट इसका कैसा है। तो अभी फिलहाल जो है पुष्पा जी जो है ये निकाल के रख लिए, इसमें क्या क्या डाला है आपने? ड्रम स्टिक और आलू और कुछ भी नहीं अभी। क्या है? ड्रम स्टिक और आलू है नीचे। अच्छा, ड्रम स्टिक और आलू है, इसको मतलब क्या करोगे? बॉईल करेंगे। अच्छा, बॉईल करोगे। तो मतलब कितना देर टाइम लग जाएगा, क्योंकि जल्दी बनाना, भूख लगा मेरे को। 5 से 6 मिनट। तो कहाँ जा रहे हो इसको लेके? बाहर? नहीं। तो फिलहाल ये किचन को भी बहुत अच्छे से साफ करके रखिए यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हो। कितना देर लगेगा? 1 घंटा में सब्जी बन जाएगा। रोटी खाना है कि चावल खाना है? आप मेरे को, आप क्या खाओगे? हम चावल। तो एक काम करो, मेरे लिए चावल बना, कोई वीआईपी। नहीं नहीं, हम रोटी नहीं खाएंगे, प्लीज प्लीज मेरे को भी चावल बना दो ना, मैं भी चावल ही खाऊंगा। नहीं मैं, नहीं 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 नहीं, मैं चावल खाऊंगा। आप खिलाओगे कि मम्मी को फोन करूं? डर लगा। ठीक है, तो जल्दी से बनाओ, तब तक मैं कुछ कर लेता हूं। तो दोस्तों मैं अभी ऑफिस से आके चेंज भी कर लिया हूं, अच्छे से फ्रेश भी हो गया हूं, और मैं दिखाता हूं कि पुष्पा जी जो है अभी ड्रम स्टिक की सब्जी बना रही है, तो दिखाता हूं कैसे बना रही है। तो फाइनली मैं किचन में आ चुका हूँ और पुष्पा जी जो है अभी यहाँ पर ड्रम स्टिक की सब्जी बना रही है, जैसे कि आप देख रहे हो। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। इतना देर में तो फिर मेरे को तो भूख और तेज लग जाएगा, प्लीज़ जल्दी करो, जल्दी 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 प्लीज। इसमें आप इसकी फ्लेम को ज़्यादा हीट अगर बढ़ा दोगे तो जल्दी से पकेगा। जल गया तो फिर आप पकोगे, तेज अच्छा नहीं लगा तो आप पकोगे। ये तो बताओ कि इसमें क्या क्या डाला है आपने स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में मैंने कुछ नहीं डाला है, इसमें मैंने डाला है अभी तक बस प्याज, मिर्च, ड्रम स्टिक और आलू, और यहाँ भी मैंने रखा है अदरक, लहसुन और टमाटर। ओके, तो इसको बस वही फ्राई कर रहे हो ना, उसके इसमें क्या करोगे? पानी डालोगे? इसमें टमाटर डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, बाकी नमक, हल्दी, मसाला, उसके बाद पानी। तो फिलहाल मैं ये बहुत दिनों के बाद मैं इसे खाने वाला हूँ, तो मुझे वेट कर रहा हूँ कि कितने जल्दी ये बनेगा। मैं वेट ही कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, वेट करता हूँ, देखता हूँ कब तक ये बनाएगी। और मंथ हमारा स्टार्ट हो चुका है, अब हमारा राशन लेने का भी टाइम आ चुका है। फिलहाल राशन तो पूरा भी भरा हुआ है कि इतना है कि कम से कम 15 दिन अभी लेना नहीं पड़ेगा, बट फिर भी हम मंथ के स्टार्टिंग पे ही पूरे महीने का राशन उठा लेते हैं, ताकि बीच में फिर कुछ लाना ना पड़े, फिर ये फ़ोन मुझे करेगी ऑफिस से कि ये लेकर आइए, वो लेकर आइए, इससे बेटर मैं एक ही बार सब्जी ला देता हूँ इसे। क्यों? तो लिस्ट बना लियो या फिर बना दूँ? आप बनाइए। मैं बनाऊँगा, मेरे को नहीं आता, आप किचन के हैंडल ना, आप देखो। तो मैं बताती जाती हूँ, आप लिखते जाइए। हम सामान बताते हैं, आप लिखते जाइए। ओके, तो क्या क्या लाना है ये तो बताओ। चावल, दाल, आटा, बिस्किट और बिस्किट। नहीं, बिस्किट इस बार नहीं आएगा, बिस्किट इस बार नहीं आएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि लास्ट मंथ जो है मैंने करीब करीब यहाँ पे कितना पैकेट लेकर आया था? 3 पैकेट था। हाँ, तो मतलब बड़ा बड़ा था, तो पूरा मेरे सब्सक्राइबर को पता चलना चाहिए ना कि मैं लास्ट मंथ जो बिस्किट का पैकेट लेकर आया था वो पूरे की पूरे 30 पैकेट बिस्किट थे। मतलब 3 पैकेट था, तीनों अलग अलग ब्रांड का था, तीनों अलग था। एक नमकीन का 10 पैकेट था, एक चॉकलेटी था और एक हल्का चॉकलेटी था, ये पूरा खा गई, ये देख रहे हो ना, उसी का रैपर है। मतलब 30 पैकेट बिस्किट इसने पूरा सफा चट कर लिया। थोड़ा सा रहम करो बिस्कुट पे। मैं खाती हूँ तो क्या करूँ। तो बिस्किट पे थोड़ा सा रहम करो। क्यों? एक महीने में पूरा 30 पैकेट का बिस्किट खा गया है, तो इतना नहीं खाते हैं, पेट के कीड़े हो जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत। ये मेरा बचपन से हैबिट है। मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि मेरे जो फादर इन लॉ, मतलब कि मेरे ससुर जी जो है, उनके घर पे राशन की किराने की दुकान थी, और ये दिन भर उस दुकान में बैठ के जलजीरा, इमली
और क्या खाती थी? बिस्किट, ये खाते रहती थी। आपको पता है मैं 100 बिस्किट का बड़ा वाला पैकेट जो 22 रुपए में आता था, मैं उसे एक दिन में खत्म कर देती थी। इसका कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों, कुछ भी नहीं हो सकता है। स्कूल का बैग में उसे भर के रखती थी। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल तो इसका बकवास चलता रहेगा और मेरा बकवास भी चलता रहेगा, तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा कुछ काम करने के लिए, राशन का सामान लिखने के लिए। तब तक ये खाना बना रही है और मैं दिखाता हूँ। तो इसमें ये अभी फिलहाल नमक डाल रही है, यहाँ पे नमक डालेगी। और मसाले में क्या क्या डालोगे इसमें? मसाले में गरम मसाला, हल्दी, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा कोस्ता। ओके, तो ठीक है दोस्तों, इसको बनाने के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ भी अगर ख़राब बनेगा तो लास्ट में मेरे से ब्लेम करेंगे कि नहीं आप आ गए इसके किचन में, मेरे से ख़राब हो गया। तो मैं किचन में आप आगे यहाँ पे बात करेंगे तो मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं चलता हूँ अपने बेडरूम पर, कुछ काम भी कर लूँगा। ठीक है, बन जाएगा तो मेरे को बताना। तो दोस्तों ये फिलहाल अभी इसमें मसाला डाली है और इसे पानी करके बॉईल करोगे ना थोड़ा सा, थोड़ा सा ना। ओके, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये अभी यहाँ पे डाल रही है कोस्ता, जो हमारे झारखंड में इसे पस्तू भी बोलते हैं, कोस्ता पस्तू। सरसों भी डालोगे? फिलहाल इसमें इसने डाल रखा है मसाला और सरसों। और क्या क्या डाला है? गरम मसाला, पोस्तू, ओके, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, हल्दी, नमक। क्या पानी डालोगे क्या? फ्राई हो गया है। बहुत देखे दोस्तों कितना मस्त मस्त हम लोगों का बना हुआ है। फिलहाल ये कितना मस्त लग रहा है देखने में, अब खाने में पता नहीं कैसे दिखेगा, आई मीन कैसा लगेगा। तो ये हमारा मस्त मस्त। तो कितना टाइम लगेगा और? बस 5 से 10 मिनट तक पानी उबालेंगे। चलिए जल्दी करिए तब, ठीक है। फाइनली खाना बना लिया है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसा बनाई है सब्जी। वाओ, और ये हम चावल के साथ इसे खाने वाले हैं। तो ये जल्दी से निकाल रही है अभी, तो जल्दी से निकालो, मुझे बहुत तेज भूख लगा है। अब तो निकाल लिए, जल्दी, बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। मैं जल्दी से जा रहा हूँ खाने के लिए और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये है हमारा ड्रम स्टिक का सब्जी और ग्रेवी के साथ, जो कि हम इसे चावल के साथ खाने वाले हैं। तो पहले मैं निकालूंगा इसमें एक ड्रम स्टिक और थोड़ा सा ग्रेवी। फिलहाल तो इसमें 2 ड्रम स्टिक आ गए हैं और 2 पीस आलू भी निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। और पुष्पा जी तो फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट भी कर चुकी है खाने के लिए। तो चलता हूँ, पहले इसे अच्छे से मिक्स करूँगा मैं चावल के साथ खाने के लिए। दोस्तों फिलहाल मैं वेट कर रहा था बहुत टाइम से, मेरा फेवरेट है। बहुत अच्छा बना है, पुष्पा जी भी यहाँ बैठ के खा रही है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो फिलहाल जल्दी से जा रहा हूँ खाने के लिए और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय सियाराम।